हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, स्वागत है हमारे सेल्स टेक में और आप देख रहे हैं स्ट्रीमिंग। तो हमारा चैनल में आपको टेक्नोलॉजी के बारे में वीडियो मिलेंगे दोस्तों, जो काफ़ी वीडियो अपलोड किए मैंने यहाँ पे अलग तरह तरीके से और दूसरे के चैनल रिलेटेड से वाकई पे नया वीडियो रहती है दोस्तों। तो आप यहाँ से आप हर वीडियो वॉच कर सकते हो और जिसने भी सब्सक्राइब कर लिया उसका बहुत धन्यवाद दोस्तों, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारी ढेर सारी वीडियो आप देख सकते हो। और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो अपलोड की हुई नोटिफिकेशन आपको पहले दिखे। तो आज के ट्यूटोरियल में आपको बताते हैं दोस्तों आज का टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक ये है आपका हाउ टू ब्लॉक फेसबुक अकाउंट एनी पर्सन यूज रिपोर्ट इज फेसबुक। जो आप फेसबुक को रिपोर्ट करने वाले हो, जो आपको किसी को ब्लॉक करना होगा तो ब्लॉक कैसे करते हैं दूसरे को, तो सिंपल सा ट्रिक है जो आपको पता ही होगा लेकिन बाकी लोगों को पता नहीं होता, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। जिसने भी ये जो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए लास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है अपना फेसबुक अकाउंट में। तो चले जाइए फेसबुक अकाउंट में। फेसबुक अकाउंट में जाने के बाद इस तरीके से अपने होम पेज पर आ लीजिए। होम पेज पर आने के बाद यहाँ पे देखिए आप जिसको ही ब्लॉक करना चाहते हैं, मतलब ब्लॉक यानी कि आपको कोई भी परेशान कर रहा होगा, यानी कि कोई भी फेक अकाउंट होगा फेसबुक पर, फेसबुक खुद कहता है अगर फेक अकाउंट कोई बनाता है तो आप उसे तुरंत ही ब्लॉक कर सकते हो। तो हमें रिपोर्ट कीजिए, उसके बारे में हमको बताइए कि वो अकाउंट फेक है, गलती से आपको परेशान कर रहा है। तो इस वजह से आप फेसबुक को बता सकते हैं कि ये पर्सन फेक है। तो इसको कैसे करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक मुझे फेक अकाउंट है, तो जी इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो जो भी आपको एनी पर्सन, कोई पर्सन होगा, कोई आपका आपको ट्रैक कर रहा होगा, कोई फेसबुक आपको ब्लॉक करना होगा किसी का अकाउंट, तो इस तरीके से कर सकते हो। उसको सर्च कीजिएगा, उस फ्रेंड को गंदी गंदी पोस्ट करता है जो क्या यानी कि किस कोई देख नहीं सकता, कोई कर नहीं सकता, तो उसको तुरंत ही आप ब्लॉक कर सकते हो। तो ब्लॉक करने के लिए आपको 2% की होती है, जो मैं इसी वीडियो में ट्रिक्स में बताऊंगा लास्ट में, तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो देखिए सर, मेरा ये मुझे परेशान करता है, तो ठीक है इस अकाउंट से मुझे गलत तरीके से मैसेज आते हैं, तो इस तरीके से मैं इसको ब्लॉक करता हूँ। तो ब्लॉक एनी पर्सन आपको एक मैसेज नोटिफिकेशन आएगा, तो कैसे करते हैं आपको बताते। तो जो भी आपको फेसबुक अकाउंट आप ओपन कीजिए, ओपन करने के बाद इस तरीके से पर्सन सर्च कीजिए। पर्सन सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पे इसका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए साइड में 3 डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 डॉट्स पर क्लिक कीजिए। 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ब्लॉक का ऑप्शन है। ये ब्लॉक मतलब यानी कि आपके थ्रू इसको ब्लॉक किया गया है। इसको ये ब्लॉक दूसरे का तरीका, ये दूसरे तरीके का ब्लॉक होता है, ये कि ये ब्लॉक जो है अपने खुद तरीके से उसे ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन वैसा आपको ब्लॉक नहीं चाहिए तो उसको हमेशा के लिए फेसबुक अकाउंट से ब्लॉक यानी कि रिपोर्ट, यानी कि ये फेसबुक फेक अकाउंट है, फेसबुक को आप बताइएगा ये फेसबुक फेक अकाउंट है, तो इसको तुरंत से फेसबुक अकाउंट से डीएक्टिवेट किया जाए। तो डीएक्टिवेट परमानेंटली इसको कैसे करते हैं, इसको आपको फेसबुक को रिपोर्ट करना होगा। तो देखिए साइड में ब्लॉक के ऊपर देखिए रिपोर्ट है, जैसे भी आप रिपोर्ट पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से पॉप अप आपके सामने ओपन होएगा उसके प्रोफाइल के साथ, और ऊपर दिखाए व्हाट ओल्ड यू लाइक टू डू। तो इसमें आपको चॉइस करने का दोस्तों रिपोर्ट दिस प्रोफाइल, यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा। कंटिन्यू पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यह आपको व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ आपको आपकी राय सर्च करनी है, सेक्शन नंबर यहाँ पे आपको दे गया है, यहाँ से आपसे चॉइस करनी है कि इस अकाउंट में क्या है ऐसा कि आपको उसको डीएक्टिवेट करने का है। तो ठीक है, इसमें आपको करना है दिस इज अ फेक अकाउंट, यहाँ से आप दिस पर्सन एनिमी यानी कि डुप्लीकेट अकाउंट होगा तुम्हारा फोटो लगाकर किसी का, तो यहाँ से चॉइस कर सको। दिस प्रोफाइल रिस्पेक्ट बिजनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये बिजनेस के कुछ इलाके से बिजनेस के प्रॉफिट के लिए घाता कि इसके अकाउंट से इसे ब्लॉक कर सकते हैं। तो ठीक है, आपको फेसबुक दिस इज अ फेसबुक अकाउंट, इसे यहाँ से कर सकते हो। ये फेसबुक दिस पर क्लिक कीजिएगा और फिर कंटिन्यू कीजिएगा। कंटिन्यू कीजिए,
कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने और एक पॉपअप खुल जाएगा। व्हाट यूजर कैन डू कि आप उसको पूरा यहाँ क्या आप इसे अपने थ्रू ब्लॉक करना चाहते हैं या फेसबुक से, तो सबमिट टू फेसबुक रिव्यू पर क्लिक कीजिएगा। रिपोर्ट दिस प्रोफाइल गुड अगेंस्ट कम्युनिस्ट स्कैंडल। आप जैसे भी रिपोर्ट करोगे तो इसको फेसबुक एक्सेप्ट कर लेगा। तो ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं सबमिट टू फेसबुक रिव्यू। ब्लॉक पर क्लिक करोगे तो अपने थ्रू ये ब्लॉक होगा, आप चैटिंग नहीं कर सकते उसके साथ। तो इसको चैटिंग ही नहीं करनी है तो उसको परमानेंटली डीएक्टिवेट करना है, तो सबमिट टू फेसबुक अकाउंट रिव्यू पर क्लिक करने का। तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज में आप चले जाओगे। तो देखें यहाँ पे देखें राइट का निशान हो गया है दोस्तों, राइट का निशान बता रहा है यू हैव सबमिट रिपोर्ट, सी द स्टेटस योर रिपोर्ट इज सपोर्ट इनबॉक्स। एक दिन में आपको आपकी रिपोर्ट एक्सेप्ट हो गई है तो आपको अगले दिन आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा इनबॉक्स में इसके बारे में, ये फेक अकाउंट है या ओरिजिनल अकाउंट है। तो कैसा इसको अभी फेसबुक को रिपोर्ट कर दे, फेसबुक इसको कम्युनिटी स्टैंडर्ड इसको अभी इसका छड़ी चलाएगी, इस छड़ी में इसको आंसर पूछेगी। आंसर कैसे पूछेगी, किसके अगर कोई पुराने फ्रेंड हो गए पुराने फ्रेंड का इसको फोटो दिखाएंगे, फोटो इसको चॉइस करना होगा अगर ये पहचान नहीं पाते, और इसको बर्थ अपडेट पूछेंगे, बर्थ अपडेट भी सही सही नहीं भर सकता, तो इसको प्रोफाइल फ़ोटो दिखाएंगे, प्रोफाइल फोटो सही सही नहीं भर सकता, इसको ब्रांड कोड भी दे जाएगा वो सही सही नहीं पता लगा सकता, तो फेसबुक इसे तुरंत ही एक ही दिन में इसको डीएक्टिवेट कर देगा। तो इस तरीके से उसको परमानेंटली इसको ब्लॉक कर सकते हो फेसबुक को रिपोर्ट करके। खुद ही फेसबुक कहता है कि अगर ऐसा कोई पर्सन दिखता है फेसबुक पर आपको फेसबुक अकाउंट फेक लगे तो उसको तुरंत ही हमको रिपोर्ट कीजिएगा, और रिपोर्ट करने के बाद उसे हम एक दो दिन में डीएक्टिवेट कर देंगे, यानी कि हमेशा के लिए ब्लॉक कर देगा। तो आपने तो खुद ब्लॉक कर सकते हो उसको, लेकिन फेसबुक उसको ब्लॉक नहीं कर सकता, सिर्फ आप ही खुद ब्लॉक कर सकते हो, लेकिन सबमिट फेसबुक को रिपोर्ट करते हो, रिपोर्ट करने के बाद आप उसे तुरंत ही हमेशा के लिए ब्लॉक कर सकते हो। तो डन कीजिएगा, यहाँ पे डन पे क्लिक कीजिए। डन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए यहाँ अर्थ का सिंबल दिख रहा है, नोटिफिकेशन का, नोटिफिकेशन के सिंबल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ देर में, मतलब यानी कि एक दिन में आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा कि दिस इज अ पर्सन गणेश हरबड़े इज टेम्प्रेरी ब्लॉक। टेम्प्रेरी ब्लॉक होने के बाद ये बाद में जांच किया जाएगा कम्युनिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से, और एक दिन में इसको हमेशा के लिए डीएक्टिवेट किया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आज की वीडियो में इतना है दोस्तों। तो हाउ टू ब्लॉक कैसे करते हैं, रिपोर्टली परमानेंटली डीएक्टिवेटली कैसे करते हैं, तो आज की वीडियो मैंने आपको सारी ट्रिक्स बता दी और टिप्स बता दिया। तो इसमें आपको ये वीडियो कैसा लगा तो लास्ट में लाइक कीजिए दोस्तों ज़रूर, अगर वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।